बेगम साहिबा, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, क्या हो रहा है आपको? जाहिर है कि आप यहाँ बहुत देर से खड़ी हैं, कभी निशा बीबी के कमरे में जा रही हैं। आपकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। मेरी बहन अजियतें झेल झेल के ना इस दुनिया से चली गई, और मैं आपके हवाले करके गया था अपनी बहन। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उसका ख्याल रखें, उसको पूछे तो सही। मैं तो नेकी कमाने के लिए काम करती हूँ। मैंने तुम्हारी बहन की शादी करवाई, अगर उसमें अजियत हो रही थी या कोई मसला था तो उससे फोन करके तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम उसे बचाने क्यों नहीं आए, बताओ? हाँ, क्योंकि ये उसकी गलती थी, उसने हमें कुछ नहीं बताया, छुपाती रही हमसे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो साथ के प्रेशर में थी। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, साथ ऐसा लड़का नहीं है, वो तो बड़ा संभला हुआ, बड़ा समझदार बच्चा है। गलत है ये, झूठ बोल रही हैं आप। आज तक ना किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने बता देना आपसे और साथ और उसकी माँ से। जी बोले अम्मी। आली भाई, आप कहाँ हैं? आप जल्दी घर आ जाएं, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बस अम्मी के पास बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो मुझसे नहीं संभल रही, आप जल्दी आ जाएं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं कल फिर आऊंगा। मामा, मामा, मेहमान चले गए आपके? निशा के भाई आपके पास क्या करने आए थे? तुम इन्हें कैसे जानती हो? वो भाई की माइयों पे आई थी ना निशा, भाभी की फ्रेंड है वो, तो यही उसे ड्रॉप करने आए थे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया। इतने गुस्से में क्यों थे मामा? बेटा क्या बताओ, मैंने निशा की शादी बहुत ही अच्छे घराने में कराई, लेकिन क्या करें, तरबियत से ज्यादा माहौल बहुत काउंट करता है ना। दोनों लड़का लड़की ना गलत लोगों में पड़ गए, बुरी बुरी आदतें आ गई, निशा ने बस पार्टियिंग सोशलाइजिंग शुरू कर दी और घर बर्बाद कर दिया बेचारी ने। रियली मामा, लेकिन वो ऐसी लगती तो नहीं थी? हाँ नहीं लगती थी ना, उसको भाई को भी नहीं पता था, पता है? अब उसे पता चला ना तो गुस्से में है वो, और शर्मिंदा होके चला गया। लेकिन भाभी ने तो कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, कितनी समझदार है हमारी नेहा, क्यों ये सब जिक्र करेगी? मेरा मतलब है कि उससे तो ये दोस्ती सारी छोड़ दी थी ना, बेहतर है इंसान अपनी जिंदगी में आगे चला जाए इसके बजाय कि ऐसे दोस्त रखे, है ना? और देखो बेटा, अभी ना नेहा से कुछ मत कहना तुम, क्योंकि अभी ना आसिम को उसकी सख्त जरूरत है, उससे पूरी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत सब कुछ ना आसिम को देना है। अगर तुम उसे बताओगी तो वो घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। मेरी बात तुम समझ रही हो ना? अच्छा, एक काम करो, रानी के साथ जाके ना अपने खूबसूरत हाथों से ना सैंडविचेस तो बनाओ मेरे लिए।
तुम्हारे हाथ के बने होंगे तो बड़े शौक से खाऊंगी मैं। जाओ चल, शाबाश। ओके मामा। हम तो उससे दूर थे, कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन साथ तो उसके साथ था, उसके करीब था। हाजी बेटा जरा सोचो, अगर नशा के बगैर हमारी ये हालत हो रही तो साथ पर क्या गुजर रही होगी, इसका क्या हाल होगा। तुम मेरी साथ से बात करो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, फोन मिलाओ उसे। वो अभी नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी बेटा, मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे अपने पास बुलाना चाहती हूँ, तसल्ली देना चाहती हूँ उसे। उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों, उसका फोन क्यों बंद है? वो हो सकता है कि शायद ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिग्नल ना आते हो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, मैंने उसे मैसेज कर दिया है, संभलेगा तो वापस कांटेक्ट कर लेगा। मैं आपको रेस्ट की जरूरत है, आप प्लीज आराम कीजिए। आजी बेटा तुम घर से ना जाया करो, मुझे घबराहट होती है। मैं यही कहीं नहीं जा रहा, आपके पास हूं। मैं याद हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल याद हो, हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्त हैं हम लोग, क्यों नहीं याद होगे? सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे से बात करते थे, एक वक्त साथ होते थे हर वक्त, और घर भी चले जाए तो मैसेजेस पे बात हुआ करती थी, लेकिन अब तुम पहले जैसी नहीं रही, इग्नोर करने लगी हो मुझे। ऐसा नहीं है, तुम देखो टेस्ट हो रहे हैं, कितने सारे एग्जाम्स भी हैं, इतना टफ स्केड्यूल है ना, तो लेकिन हम दोस्त हैं। हाँ मैं अपने जज्बात और एहसासात की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वक्त के साथ साथ ना इंसान के एहसासात और जज्बात बदल जाते हैं। सही कह रही हो तुम अंबर, और तुम भी बदल गई हो इसी तरह, पहले जैसी नहीं रही अब। क्यों उलझन दिलाने वाली बातें करो, मैंने कहा ना हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। यार तुम अभी भी दोस्ती की बात कर रही हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो इफी, मुझे ना ये प्यार मोहब्बत की बातें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे साथ ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? प्लीज ऐसी बातें ना करो यार, मेरा दिल ना तोड़ो। तुम्हारे दिल का मसला है ना, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूँ यार? यार प्लीज मजाक मत करो, तुम भी समझो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इसे। क्यों तड़पा रही हो मुझे यार, खत्म कर दो ना ये मजाक और कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो इक्वली। तुम लड़कों का ना यही मसला है, थोड़ा सा दोस्त समझ के बात क्या कर लो तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हो, अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर जाते हो। मानती हूँ तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी, थोड़ी सी बात कर लेती थी, थोड़ी सी दिल की बात शेयर कर लेती थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख लोगे मेरे साथ, समझे तुम? अंबर तुम मेरी बात सुनो, मेरी दोस्ती का गलत मतलब तुमने निकाला है, मेरा कसूर नहीं है इसमें। अगर तुम्हें इश्माशुकी की बातें करनी है ना तो तुम किसी और लड़की को ढूंढो, समझे तुम? अंबर
बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे जैसे हमें बताया गया था। साथ वैशी है, नवजाती मरीज है, मुझे मारता पीटता है। भाई प्लीज मुझे बचा ले, साथ मुझे मार देगा। भाई सब ने हमें धोखा दिया है, अरमाज आंटी भी। अम्मी, अम्मी नहीं यहाँ पे? अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से और आफत से दूर रखे। पता है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो एक छोटी सी निशा जिसको मैं पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला गया था, और आज मुझे इसी बात का दुख हो रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ इतना वक्त नहीं गुजार सका जितना मुझे गुजारना चाहिए था। काश मैं तुम्हें मम्मी को ज्यादा वक्त दे सकता। सब कुछ मैंने मिस कर दिया, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन सिर्फ अफसोस हो रहा है कि काश मैं ज्यादा वक्त गुजार सकता तुम्हें के साथ। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूं भाई। क्या तुमने निशा, तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा क्यों किया निशा? जब तुम सब बच्चे मेरे साथ होते हो ना तो मेरी पिकनिक हो जाती है। एक साल हो गया हमें फार्म हाउस पे गए हुए, कितना एंजॉय किया था। उसके बाद हाँ भाई, उसके बाद तो सबकी छुट्टियों के मसले हो गए ना, इसलिए हम कोई प्लान ही नहीं बना सके। तो एक काम करते हैं, अभी इन दो दिनों में प्लान कर लेते हैं, छुट्टियां भी हैं, चलते हैं आराम से। डन। कैसी बातें कर रहे हो, पैर टूटा हुआ है, वॉक कर नहीं सकते, अभी कोई प्लान नहीं बनाएंगे, जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर करेंगे। भाई आप उठ के चलने की कोशिश करें ना। हाँ भाई, हम लोग देते ना आपको सारा, चल लेंगे फिर हम। नहीं अम्मी ठीक कह रही है, ये मुनासिब वक्त नहीं अभी प्लान करने का। क्या मतलब यार, यज्ञ शुद्ध दो शुद्ध? हाँ शुक्र है मुझ जैसी सोच रखती है। मॉम बड़ा लिफ्ट करवा रही है आज भाभी को, क्या बात है। लेकिन सुम्बुल ठीक कह रही है, मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो आ जाओ। हैं? आ जाओ। और मसला ना हो जाए ध्यान से। आसिम बहुत ही चलाक औरत है, निशा का सुनकर ऐसे रोने लगी जैसे उसे उसके बारे में मालूम ही नहीं था। हो सकता है उसे वाकई ना मालूम हो। उसका चेहरा बता रहा था कि वो एक ड्रामा कर रही है। मेरे ख्याल से तो उसको नहीं पता होगा इस बात का, अगर उसे पता होता तो वो जरूर आती, क्योंकि उसे तो नहीं मालूम था ना कि निशा तुम्हें साथ के बारे में ऑलरेडी बता चुकी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि खुल के सामने नहीं आ रहा। आ जाएगा यार, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइम जब तुम वहां जाओ ना तो मुझे साथ लेके चलना, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे सामने वाजे ना हो रही हो सकता है मैं पिक कर लूं। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों दोस्त,
कुछ नहीं, बस वैसे। तो फिर मेरे आने पे बेटा खामोश क्यों हो गया? नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं जानती हूँ ये जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों निशा के बारे में बात कर रहे थे। जी जी आंटी, हम उसके बारे में ही बात कर रहे थे। असल में हम लोग सोच रहे थे कि कल निशा के साले सवाब के लिए खाने और कपड़े गरीबों में बांट दें। ना सर बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जाने वालों को सिर्फ हमारी मगफरत की दुआएं तो पहुंचती हैं, बस अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाए और हमारी निशा को जन्नत के बाहों में जगह दे। आमीन। अल्लाह पाक बस आप लोगों को सबर दे। आमीन बेटा, सबर तो अल्लाह पाक ने हमें दे देना, बस हम ही नहीं इस बात को समझते और मानते। हम सब अल्लाह की अमानत है, सबने एक दिन उसके पास वापस चले जाओ, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम। आहिस्ता आहिस्ता हर कोई ये बात सीख, लेकिन सच्ची समझ बहुत मुश्किल। देखा मेरी अम्मी कितनी साबिर और कितनी मजबूत है, किस तरह इन्होंने खुद को संभाल लिया। सुम्बुल वो भाभी आप वो क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम इतनी घबराई भी और परेशान क्यों हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे छुपाओ नहीं मुझसे, बताओ क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो बस अंबर दूसरे रूम में चली गई है ना, हमेशा से उसके साथ सोने की आदत थी, अब वो रूम में नहीं है तो नींद नहीं आ रही मुझे। होता है ऐसा, आज थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आ जाएगी नींद। उसे जाना नहीं चाहिए था। मैं तो समझ रही हूँ कि एक तरह से अच्छा हो गया है, कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम लोग अपने घरों को चली जाओगी, तो अभी से आदत होनी चाहिए ना, नहीं तो कल को मुश्किल होगा बहुत। आप बताएं, आप इस वक्त मेरे रूम में खैरियत है ना? कुछ चाहिए था, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। वो तुमने मुझे बताया था ना एक मूवी का कि बहुत अच्छी है, आसिम का दिल कर रहा था अभी देखने को, तो मैंने तो इतना सोचा और सर्च भी किया, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा था। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। हाँ ठीक है, और अब सुकून से सो जाओ, ठीक है? जाती नहीं रहना, मैं दरवाजा बंद कर जाऊं। हाँ यूनिवर्सिटी आऊंगी। आप बताएं आपने क्या खाया था? आई मिस यू टू। शायद फोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन इस वक्त क्या करूं? क्या मुझे अम्मी को सब बता देना चाहिए? नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं, और फिर अंबर तो। एक सेकेंड, कोई आए। मैं तुम्हें कॉल बैक कर रही हूँ, दो मिनट। क्या वो नई जगह पे? मुझे पता है मुश्किल से नींद आती है, तुम हमेशा से उस कमरे में सोई हो, तो तुम वहीं सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगी। वहीं मुझे नींद पसंद है, मैं कहीं पे भी सो जाती हूँ, तुम जाके सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। पक्का?
मेरी गुड़िया नाराज तो नहीं है मुझसे? मैं क्या बच्ची हूँ जो नाराज होंगी? मेरे लिए तो बच्ची रहोगी ना हमेशा। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। आपदा और उसका बेटा तो बच के निकल गए, लेकिन आज तुम मेरे सामने इसलिए खड़ी हो कि तुम्हें अभी तक मौका नहीं मिला भागने का। मेरी बहन उस पागल नफ्सियाती के जुर्म सहते सहते दुनिया से चली गई। आज तक ना किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने बता देना आपसे और साथ और उसकी माँ से। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा आऊंगा। मोहब्बत दो तरफा होती है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुम एक दफा कह के तो देखो। कल सुबह होती मैं डैड से बात करूंगा हमारी शादी के लिए। तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए। मैंने सोचा है कि उमेर और सोया बेटी की शादी इस महीने की 25 तारीख को रखे थे। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, और ये फैसला अब मैं बदल नहीं सकता। वो मेरा अम्मी फजर की नमाज पढ़कर सोई है, कुछ देर के लिए सोएंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने कामों में लग जाना, उनके पास ही रहना। ठीक है आगे भाई, मैं समझ गई। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, नासिर के साथ जा रहा हूँ, लेकिन एक दो घंटे में चक्कर जरूर लगाऊंगा, और जब भी बाहर जाऊंगा तो ऐसा ही करूंगा। वैसे तो अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, हौसले में हूँ, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी जाए तुम उनके साथ जाना। ठीक है, मैं समझ गई, मैं ख्याल रखूंगी। मैं चलता हूँ। ऐसी क्या बेचैनी थी जो आज सुबह सुबह आप इधर चली आई? कल मुझे एहसास था कि तुम तकलीफ में हो, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ पे आज आके कुछ बातें बताना तुम्हें बहुत जरूरी पड़ा, ताकि तुम्हारी आंखों से पर्दा उठा सको। आंखें खुल जाए, ये जिन आंखों के पर्दे की आप बात कर रही ना, वो तो बड़े आराम से उतर जाती, लेकिन ये जो दिलों का पर्दा है ना, उसके लिए तो अल्लाह की हिदायत चाहिए होती है, और आप जैसी बेरहम और बस 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 अभी तो मैं शुरू हूँ, अभी तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, अभी तो सिर्फ ये कहा है कि मेरी बहन की कातिल आप भी हैं, समझी आप? यहाँ तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो, वहाँ साथ की माँ मुझे बुरा भला कह रही है कि किस किस्म की लड़की से तुमने शादी करवाई मेरे बेटे की, जिसके दिल में कोई और बसा हुआ था उसका सोचती रहती थी वो। इस तरह की फजूल बात मत कीजिए मेरी बहन के बारे में, समझी आप? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये हकीकत है। साथ और उसकी माँ तो बड़े अच्छे नेक लोग हैं, उन्होंने तो बड़े प्यार से तुम्हारी बहन को रखा हुआ था, ऐश कर रही थी। तिल तिल मरने को आप ऐश कह रही है? वो साथ जैसा पागल आदमी। पागल था ना, तुम्हारी बहन की मोहब्बत में पागल था ना, हाथ जोड़ जोड़ के कहता रहा तुम्हारी बहन को कि खुदा के वास्ते अपने माजी को भूल जाओ और मेरे साथ एक घर बना लो, और जबानी तौर पे तो हाँ करती रही, लेकिन उसके दिल से ना माजी निकला नहीं। देखिए मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात मत कीजिए, मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ। अरे ये इल्जाम थोड़ी है, मैं तो उसका घर संभालना चाह रही थी, बचाना चाह रही थी। कहती रही उसे साथ जैसा सीधा साधा लड़का उसे नहीं मिलेगा, उसने एक नहीं सुनी मेरी। इतना नेक सादा लड़का, वो सादा लड़का, वो वैसी दरिंदा जो मेरी बहन को कत्ल करके मुल्क छोड़ के भाग गया, उसकी बात कर रही हूँ? तुम्हारे डर में थोड़ी मुल्क छोड़ के गया है, वो बेचारे का दिल टूट गया, जख्मी होके गया है यहाँ से, तुम्हें क्या पता? मुझे क्या पता, मैं देखिए मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये सबूत जिसके बारे में आप बात कर रही है ना मुझसे, वो सबूत मैं आपको दूंगा,
और उसके बाद मैं आपको और उन दोनों को जो ना फांसी पर लटकाऊंगा। देखना आप क्या करता हूं मैं आपके साथ। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। निकल जाइए यहां से, निकले यहां से। अरे क्या समझा मैं उन्होंने, क्या कह रही थी? मत पूछो ना सर, बस इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको अंदर कौन आने देता है यहां पर। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। है, और अभी उसने अपना बैचलर्स किया और आगे मास्टर्स करने का इरादा है। तो हम पढ़ाएंगे ना इसे, बस आप जल्दी से हमें इनके घर ले चले। आपका बेटा कब आ रहा है? मंडे नाइट इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। तो ट्यूसडे चलते हैं मिलने उनको। हाँ ये भी ठीक है, बस जल्द से जल्द शादी के सारे मामला तय करवा दीजिए, हमें बहुत जल्दी है शादी की। नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करें, वो शक करना शुरू कर देंगे तो पता नहीं क्या मसला है। तो आप समझाएंगी ना उन्हें कि हमें कितनी जल्दी अपनी बहू को अपने घर की जीनत बनानी। हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गई, सॉरी, ये आपकी फीस। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, मैं तो नेकी कमाने के लिए करती हूँ ये काम। अब लेकिन नहीं नहीं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पहले लड़की से मिलने, हम आपके बेटे को ले जाते हैं फैमिली से मिलाने, बातचीत हो जाए, उसके बाद फीस भी देखी जाएगी ना। आप रखें अभी। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कॉफी ठीक है। अच्छा ओके, हाँ जरा एक बड़ी मजेदार कॉफी भिजवा दो मेरे कमरे में। आलियान साहब है ना? जी आप? मैं नीलो, साथ साहब के घर की। हाँ हाँ नीलो। बहुत दुख है मुझे निशा बीबी का सुन के। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, आए ना पास ही है मेरा घर। मैं आता हूँ। बहुत अफसोस है मुझे, मैं उनकी चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकी, यहाँ तक कि मैं उनको फोन भी नहीं दे सकी। बेचारी निशा बीबी के दिल में पता नहीं क्या कुछ था जो वो आपको बताना चाहती थी। आपने बहुत गलत किया, अलमास मैडम के कहने पे आकर आपने अपनी बहन की शादी सात जैसे पागल लड़के से कर दी। उनको तो पता नहीं किस चीज की लालच थी कि आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम अलबास को जानती हो? जी, आपदा मैडम की दोस्त हैं, अक्सर घर आया जाया करती थी, मुझसे तो फरमाइशी खाने भी बनवाती थी। लेकिन जब से निशा बेबी की शादी हुई है तब से सिर्फ एक ही बार आई है। वो निशा बेबी को समझाते हुए शायद ये भी कह रही थी कि तुम्हारी वालदा दिल की मरीज हैं, तुम्हारी कोई बात उन तक पहुंचनी नहीं चाहिए वरना वो मर जाएंगी। बेगम साहिबा आप थोड़ा सा और आराम कर लेती। शहनाज तुमने तो मुझे कमरे में कैद करके रख दिया है।
अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए कुछ बना के लाऊं? कुछ पियेंगी? फ्रेश जूस लेकर आऊं? कुछ भी नहीं, आली आएगा तो फिर खाऊंगी। ले, आपने नाम लिया और आली भाई आ गए। आली, कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या बात है बेटा, सब खैरियत है? परेशान लग रहे हो। नहीं अम्मी, थोड़ा थक गया था मैं। इतने लोगों को खाना जो बांटा है। लोग बहुत खुश थे, वो निशा के लिए दुआ की होगी उन्होंने। अल्लाह पाक उन सब की दुआएं सुन ले। और हमारी निशा के दर्जात बुलंद करें। आमीन। आमीन। अच्छा बैठो, शहनाज कुछ खाने के लिए लेकर आती है। नहीं अम्मी, मैं आता हूँ। बहन के बाद संभल ही नहीं पा रहा, मेरा तो पूरा घर ही बिखर गया। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, मैं अंधा था, ना समझता, तो मैं समझ नहीं सका। साथ इतनी इंक्वायरी करवाई, वो सब झूठ था, धोखा देता रहा हूं मुझे। तुझे नहीं मैं छोड़ूंगा, तुझे मेरी बैठ के जाननी है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अल्फाज बेगम, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोगों ने मेरी बहन की जान ली, मेरी बहन की जान ली। क्या ख्याल है तुम्हारा बेटा? मम्मी, जैसे आपने बताया, फैमिली तो ठीक ही लग रही, लेकिन लड़के से मिलने और बात करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा, ऐसे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मिल लो, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन तुम तो भाई हो, जो दिल में आए पूछना, तुम्हें कोई रोकेगा थोड़ी। आप भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा प्लीज। सुमल की शादी की जल्दी भी नहीं है, आराम से देख लीजिए। जल्दी नहीं, लेकिन रोज रोज इतने अच्छे रिश्ते मिलते भी नहीं है बेटा, ये जरा जहन में रखना। तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि लोग बदफितरत भी होते हैं, जाहिर में कुछ और होते हैं और असल में कुछ और। ऐसे परेशान हो रहे हो, मैं सब समझती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। माशाल्लाह से हमारी सुम्बुल के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो पता है हमारी सुम्बुल है ही बहुत अच्छी, उसके लिए सब अच्छा होगा। और अम्मी, शादी के सारे इंतजाम ना मैं खुद देखूंगी। हाँ हाँ, सारे मामला तुम देख लेना बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी सख्त जरूरत है प्लीज। बिल्कुल अम्मी। आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अकब ने? वो तो आज आना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, एक दो दिन जरा हमें चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि तुम थोड़े बेहतर हो जाओ। ठीक है, वीकेंड पे बुला लेते। क्या हुआ ये बबलू?
क्या मसला तुम्हारे साथ? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मसला क्या है? नहीं ऐसा, छोड़ो, नहीं छोड़ो, चलो, पागल हो गए हो? क्यों मारे उन्हें? तुम देख रही थी उसको, वो तुम्हें कैसे देख रहा था? मुझे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बुरी नजर डाले तुम पे। बैठो गाड़ी। गाड़ी में बैठो। सुंबुल? जी भाभी। तुम्हें पता है आंटी ने रात एक बहुत अच्छी खबर सुनाई है। क्या खबर है, मुझे भी तो पता चले। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता है मैं तो पूरी रात नहीं सोई, बस यही प्लान करती रही थी कि तुम माइयों पे कैसा ड्रेस पहनोगी, मेहंदी पे कैसा ड्रेस होना चाहिए, बारात पे कैसा। पता है मैं तुम्हें बहुत हसीन देखना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम दुल्हन बनके बहुत प्यारी लगोगी। बस मेरी दिल से दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, अपने घर आबाद रहो, बहुत अच्छा हो तुम्हारे लिए। नेहा। सुंबुल वो आसिम आवाज दे रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? जी। मामा खुश थी, जैसे मुझे बताया था अब भाई भाभी को बताया होगा, इसीलिए भाभी भी खुश है। जाहिर है भाई भी खुश होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कोई उलझन से क्यों है। जी वालेकुम अस्सलाम। अलमास आंटी से मिलना। क्या काम है आपको उनसे? आप? मेरी मामा है। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली उस दिन मैं आया था, कुछ गलत फहमी हो गई थी और मैं कुछ थोड़ी बदतमीजी कर बैठा था उनसे, उसके लिए माफी मांगने के लिए आया। मामा तो घर पे नहीं है और मेरी मामा बहुत नरम दिल के मालिक है, जब उन्हें पता चलेगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया तो वो माफ कर देंगे आप। मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आएंगे। Okay।